नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस। जैसा कि आप जानते हो कि क्रॉस जो कराया जाता है तो ये दो विपरीत जातियों के उपजातियों के अनुसार कराया जाता है ताकि उससे वांछित गुण वाले F1 जनरेशन में जो संतान प्राप्त हो उसके दृष्टिकोण से ये क्रॉस कराया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ देखेंगे कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है क्या। तो बैक क्रॉस की यदि बात किया जाए तो F1 जनरेशन जब दो विपरीत प्लांट्स को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, चाहे वो रंग के अनुसार हो या हाइट के अनुसार हो, वो स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस स्थिति के लिए, किस अवस्था के लिए वो क्रॉस करा रहे हैं, किस चीज़ के लिए। तो जब क्रॉस कराया जाता है जब दो विपरीत पेरेंट्स के साथ, जनक के साथ, तो F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होता है वही संतान को फिर पेरेंट्स जनरेशन से जिससे वह उत्पन्न हुआ था उसी से क्रॉस कराया जाता है, उसी को बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी जो है ये प्रथम पीढ़ी है, तो F1 पीढ़ी में जब भी आता है, जब दो विपरीत प्लांट्स के साथ क्रॉस कराने पे, तो उसका जो संतान आता है वो हाइब्रिड ही आता है, हाइब्रिड प्लांट्स। तो जब F1 पीढ़ी में कौन आया, ये हाइब्रिड प्लांट्स। तो हाइब्रिड प्लांट्स को किसी एक पेरेंट्स, आप ऑलरेडी जान रहे हो कि पेरेंट्स भी जो होते हैं, जब तक दो पेरेंट्स आपस में मिलेंगे नहीं तब तक ये क्रॉस नहीं होगा। तो किसी एक पेरेंट्स के साथ से क्रॉस कराया जाता है तो उसे ही बैक क्रॉस कहते हैं, उसे ही बैक क्रॉस। अब बात आता है टेस्ट क्रॉस तथा F1 हाइब्रिड प्लांट्स को समयुग्मी अप्रभावी जनक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसे हम लोग क्रॉस के माध्यम से समझते हैं। ये आप देख रहे हो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। स्मॉल टी जो है वो नाटा बौना पौधा का ये सूचित कर रहा है, जबकि कैपिटल टी जो है ये लंबा प्लांट्स का, पौधा का, और ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब ये दोनों से जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में ये संतान प्राप्त होता है। तो ये कौन सा संतान हुआ, हाइब्रिड संतान। अब इस हाइब्रिड संतान को क्या करेंगे, ये यहां लिया है, अब हमको बैक क्रॉस कराना है तो हाइब्रिड संतान को, तो ये यहां पे हाइब्रिड संतान आया। अब आप यहां देख रहे हो कि ये क्या है, स्मॉल टी है। स्मॉल टी पेरेंट्स पे देखते हैं तो यहां पे है, तो ये पेरेंट्स क्या था, नाटा पौधा। तो ये पेरेंट्स यहां उठ के चलाया, तो अब इसके और इसके साथ क्रॉस कराते हैं, या ये फिर हाइब्रिड आता है और ये पेरेंट्स, ये आप देख रहे हो जो यहां हम जाए हैं, इसके साथ क्रॉस कराते हैं, मतलब फेराफेर एक के बाद एक दोनों पेरेंट्स से ये क्रॉस करा रहे हैं। तो ये क्रॉस करा रहे हैं दोनों पेरेंट्स से बारी बारी से, तो उसे को बैक क्रॉस कहते हैं। अब बात आ रहा है टेस्ट क्रॉस का। तो आप हाइब्रिड प्लांट्स को समयुग्मी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आप यहां देख रहे हो टेस्ट क्रॉस में ये क्या है, ये पेरेंट्स है, ये संतान, और ये पेरेंट्स है, और ये क्या है, F1 पीढ़ी का ये संतान है। अब इसको क्या करते हैं, समयुग्मी, आप यहां पे ऑलरेडी देख रहे हो समयुग्मी अप्रभावी जनक, तो यहां पे देख रहे हो ये और ये समयुग्मी है पर अप्रभावी जनक, और ये दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं, तो इस तरह के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये था मेरा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इस तरह से बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह से ये तो प्लांट्स के ऊपर हम लोग अथी कर रहे थे और हम कर सकते हैं दूसरी चीज पर। धन्यवाद।